कुछ बच्चे तो इसीलिए टेंशन होंगे कि भाई रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, हमारा तो नहीं होगा, क्योंकि कब रिजल्ट आएगा, फाइनल डेट कब की है, फाइनल डेट क्या है, रिजल्ट तो है जो 7 तारीख को आएगा, तभी वही ना कर्म करेंगे तभी तो फल मिलेगा। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। तो काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी जो है सबके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है KVS PRT का रिजल्ट। एक्चुअली में सभी जो है इस रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा एग्जाम था वो फैब में था और फैब के बाद अगर हम देखें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर भी पूरा चला गया, मतलब लगभग 7 महीने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक रिजल्ट नहीं आया, जबकि प्रिपरेशन के लिए इतना टाइम नहीं मिला था। तो टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो रखी है और बहुत सारा कंफ्यूजन भी हो रखा है और वीडियोज इतनी सारी रोज डेली आपको देखने मिलती है, आज रिजल्ट आ जाएगा, कल रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आएगा कब, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे माइंड में टेंशन वाला क्वेश्चन यही है, क्योंकि हम अटके पड़े हैं ना कि भाई हम आगे प्रिपरेशन करें, किसी और की प्रिपरेशन करें, हम पास है या फिर हम नहीं है, हम कट ऑफ पार कर गए हैं नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कट ऑफ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, एक बार बस आंसर की आके रह गई है, उसके बाद कुछ भी नहीं आया है। तो इस वीडियो में हम काफी सारे जो आपके डाउटफुल क्वेश्चन है वो लेने वाले हैं, तो बिना स्किप करे हुए देख लेना, क्योंकि इसके बाद जो आपको दूसरी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बिना टेंशन के आप आगे अपना प्रिपरेशन कर पाएंगे। सबसे पहला डाउट कट ऑफ, कट ऑफ के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबने कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना रखी है, तो मैंने सोचा मैं भी बना देती हूँ तो ध्यान से सुनो। देखो कट ऑफ का ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि मैंने पेपर बनाया मुझे भी कुछ भी पता है, लेकिन स्टिल अगर हम अनुमान लगा के देखिए, मैंने भी अपने चैनल पे पोल डाला था तो लगभग जो है मेरे चैनल पे अगर 58 से लेके 59% तक जो वोट आए थे वो 110 से लेके 130 की रेंज के जो है पोल आया था। तो बेसिकली आप ये मान के चल सकती हो कि 110 से 130 के बीच में ही जो है कट ऑफ कहीं ना कहीं रह सकती है, मे बी वो 115 आ जाए या फिर मे बी वो 121 आ जाए, वो कुछ भी हो सकती है, उसको हम एकदम कंफर्म मैं भी नहीं बता सकती, क्योंकि एक तो पहली बात तो अलग अलग कैटेगरी वाइज आएगी कट ऑफ और उसके बाद डिपेंड करता है कितने बच्चे बुलाए जाएंगे। अगर 6000 हमारी पोस्ट है तो 3 गुना अगर बच्चे बुलाए जाए तो 18000 बच्चे बुलाए गए, तो 18000 के अकॉर्डिंग जो है ये कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है, अगर कम बच्चे बुलाए गए ज्यादा बच्चे बुलाए गए उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। बट अगर जिन भी बच्चों की इस रेंज में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो वो टेंशन लेके ना बैठे, वो तो अपनी प्रिपरेशन 100% पूरी कर दे। अब प्रिपरेशन के लिए कहाँ से करनी है, पूरी सीरीज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से वो प्रिपरेशन जरूर कर लेना, ठीक है। पूरी आपको डे वन से लेके लास्ट डे तक की प्रिपरेशन सीरीज मिल जाएगी, एकदम उसके बाहर कहीं से प्रिपरेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली में इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी कैसे है, ठीक है। ये तो मैंने आपकी क्लियर कर दी और ये कट ऑफ की रेंज रहने वाली है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की रेंज हमारी खत्म हो गई है, मान लो आप अगर बहुत ही मिनिमल लेवल पे हो, 110 पे भी हो, तो पॉजिटिविटी अपने अंदर रखो, पॉजिटिविटी रखोगे तो क्या पता आपका ही नंबर आ जाए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू जो है एक लौता हमारा अब सहारा बचा है, अगर हम 110 पे भी है कि हम क्लियर कर सकते हैं कट ऑफ और फाइनल हम केवी में पढ़ाने जाएंगे, अपने अंदर ये रखो कि हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा। जब हम ये अपने माइंड में पॉजिटिविटी रखते हैं ना तभी हम आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए पॉजिटिविटी सबसे पहले ज़रूरी है, कट ऑफ बाद में देखी जाएगी, पहले पॉजिटिविटी तो लेके आओ कि हाँ मेरे से हो जाएगा। कुछ बच्चे तो इसीलिए टेंशन होंगे कि भाई रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, हमारा तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं रखना है। जब ये रखोगे तब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहला तो ये पॉजिटिविटी आप ये क्लियर रखेंगे, 110 प्लस वाले सभी अपनी प्रिपरेशन ऑन रखेंगे बिल्कुल। और जो हाई कट ऑफ है, मान लो किसी के 130 से 140 के बीच में है या 140 से 150 के बीच में है, तो वो भी ये ना ढील छोड़ देगी, मेरे तो मस्त 20 नंबर ज़्यादा है, मैं तो इंटरव्यू में यूं ही मजे करके आऊँगा, नहीं। प्रिपरेशन सबको ही अपनी बेस्ट, अपना 100% देंगे ना तभी, वही ना कर्म करेंगे तभी तो फल मिलेगा, तो कर्म हमने बेस्ट करना है तभी हमें फल मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा हो गया कट ऑफ से रिलेटेड, मैंने बात कट ऑफ से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हुआ है। तो सेकंड चीज जो है आपके माइंड में आ रही होगी, कब रिजल्ट आएगा, फाइनल डेट कब की है, फाइनल डेट क्या है, तो ये वाला जो आपके माइंड में डाउट है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप अगर KVS की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो 29 सितंबर का वहाँ पे एक नोटिस है जो कि आपको शो होगा, और उसमें क्या लिखा हुआ है कि जितने भी जो हमारा ट्रांसफर प्रोसेस है वो पूरा बंद हो चुका है, उसका क्लोजर हो चुका है, मतलब इसके बाद आप कोई भी ट्रांसफर
नहीं होगा। अब मान लो ट्रांसफर पूरा कंप्लीट हो गया तो बेसिकली बचा क्या, रिजल्ट का काम। क्योंकि देखो हमारे जो TGT है, PGT है और काफी सारे वाइस प्रिंसिपल का भी हमारा रिजल्ट आ चुका है धीरे धीरे। मतलब अब केवी के वेबसाइट पे रोज हर एक दिन एक नया नया अपडेट हमें देखने को मिलता रहता है। और ये भी क्लोजर का जब से आया उसके बाद तो हमारी उम्मीदें बिल्कुल बन चुकी है कि हाँ भाई अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। एक्चुअली में अब आने ही वाला है, ठीक है। क्या होगा बेसिकली, हम जो है एक डेढ़ हफ्ते तक और वेट कर सकते हैं उसके अंदर। मुझे जहां तक लगता है कि देखो ऐसा नहीं है कि मेरे को रिजल्ट की डेट पता है, ना ही आपको पता है, ना ही किसी और को पता है। कोई कह रहा है कि मेरे को पता ये नहीं है, इससे नहीं हो सकता। देखो सीधी सी बात है, रिजल्ट जिस दिन आना है, जब आएगा वो सबके सामने होगा, मेरे सामने होगा, आपके सामने होगा। मैं एक वीडियो बना रही होगी कि अब रिजल्ट आ गया है और आप वो देख रहे होंगे, या फिर आप भी वो वीडियो बना रहे होंगे, हो सकता है। लेकिन एक्चुअली मैं कौन कंफर्म डेट बता दे कि भाई रिजल्ट तो है जो 7 तारीख को आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि 7 तारीख को आना, 8 तारीख को आना, 9 तारीख को आना है। रिजल्ट कभी भी आ सकता है। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि एक वीक के अंदर, जो अक्टूबर है, 10 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। जहाँ तक कि इतना टाइम वेट हो गया है, कब स्टार्ट किया था, फरवरी में स्टार्ट किया था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसा करके 7 महीने हमारे पूरे बीत गए हैं और कोई रिजल्ट का नामो निशान नहीं है। सब लोग टेंस भी है कि भाई आगे की प्रिपरेशन करें, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, हम आ सकते हैं लाइन में, नहीं आ सकते। तो भाई देखो, जिसके भी 110 प्लस है वो तो तैयारी बिल्कुल करना शुरू कर दो। देखो आज नहीं, अगर मान लो आप नहीं भी आए कट ऑफ में, आज नहीं तो कल वो तैयारी आपके काम आएगी आएगी। खाली बैठने से तो कुछ नहीं होगा। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद किसी और की देख रहे होगे, 15-20 वीडियो देख ली, टाइम वेस्ट हो गया। इससे अच्छा इसको बंद कर लो, या फिर देख भी रहे हो तो देखो, दिन में 2-4 वीडियो देख के थोड़ा माइंड रिलैक्स भी हो जाता है कि भाई मैं भी देख लेती हूँ, 10 वीडियो तो मैं भी दिन में देख लेती हूँ कि हाँ भाई क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। एक्चुअली में वीडियो देखने से ठीक है, बट स्टिल अपने आप को डीमोटिवेट करने का कोई फायदा नहीं है। मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ आपने जो है आगे बढ़ना है। देखो हमारा काम है कर्म करना, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, कर्म नहीं करेंगे तब तो फल कहाँ से मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि बट रहा है और तोड़ लिया। काम करो, तोड़ने के लिए भी तो हाथ ऊपर करना पड़ेगा ना। वही बात है कि अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। अगर लगता है मान लो 90 पे ही तुम्हारे नंबर है, तो तुम्हें लगता है बिल्कुल ही नहीं आओगे, तो क्या हो गया, आगे सब खत्म हो गया क्या? नहीं, सब कुछ बचा है अभी। DSSSB की तैयारी कर लो, NVS के पेपर आते हैं अलग अलग, चंडीगढ़ की वैकेंसी आई हुई थी, जिन्होंने भरा है वो भर सकते हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और अब सोच रहे हो कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए भी आपको जो है चैनल पे एक सीरीज़ मिल जाएगी, टेकओवर स्टडी पे, प्लेलिस्ट में जाना, फुल इतनी बढ़िया आपके लिए वो सीरीज़ मैंने प्रिपेयर कर रखी है, वहाँ से प्रिपेयर करना। काफ़ी सारी जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तरीका मिल जाएगा किस तरह से इंटरव्यू देना है, सारी वन सीरीज में आपको पूरा, जो आप जैसे कोर्स लेके करते हैं ना उस तरह से आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से वो देख लेना। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टाइम वेस्ट कर रही है, कुछ भी बोले जा रही है कमेंट, वो लिख के भी जाएंगे। देखो सीधी सी बात है, आप देख रहे हो क्योंकि आपको टेंशन है, मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरे को टेंशन है। मैं भी चाहती हूँ कि रिजल्ट जल्दी आ जाए, आप भी चाहते हो रिजल्ट आ जाए, इसीलिए तो आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखना, कोई किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, सब डिस्कशन कर रहे हैं। आप बैठ के दूसरी वीडियो भी देख रहे हैं, डिस्कशन, आप भी चाह रहे हैं ना कि आपको एक क्लियरिटी मिल पाए। वो बात है कि आप बड़े चैनल पे देख लिया, छोटे चैनल पे देख लिया, उसके बाद आप 2-4 जने गंदे गंदे कमेंट भी लिख देंगे, उल्टे सीधे कमेंट लिख देंगे कि ये है वो है। बट देखो कमेंट लिखने से कुछ नहीं होगा, या तो आप अपनी तैयारी कर लो, ये वीडियोज ही मत देखो। और ये वीडियो देख रहे हो तो ये बात समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली में वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है और ये डिस्कशन का टॉपिक है, एक्चुअली डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा और कुछ डिस्कस नहीं करूँगी। तो डेट जो है लगभग 1 हफ्ते के अंदर, अक्टूबर में मान के चलो, रिजल्ट आ सकता है अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक में। और रिजल्ट आने के बाद फिर से मिलेंगे, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। और वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ा सा भी आपको मोटिवेशन मिला है या फिर अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर लेना, नहीं भी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना या फिर डिसलाइक करके भी बता देना कि भाई वीडियो अच्छी लगी, ताकि हम और काम कर सके और अच्छी वीडियोज आपके लिए ला सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।